नमस्कार, मैं बलजी ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करते हैं, अभी 30 नवंबर से 2 दिसंबर तक एसएससी सीजीएल टायर 2 के जो पेपर्स हैं उनका एग्ज़ाम होना है। एसएससी सीजीएल टायर 2 में लगभग 1.5 लाख लोग अपीयर हो रहे हैं। इसमें कंपटीशन का लेवल किस तरह का हो सकता है और उस कंपटीशन को कैसे हम लोग बीट कर सकते हैं, उसके ऊपर ये प्रेजेंटेशन होगी। बहुत ही कई दिनों से डिमांड आ रही थी कि हमें कोई जो सिलेबस है उसके अलावा प्रेजेंटेशन जिसमें कि गाइडेंस हो, उसमें दूरदृष्टि हो और एक अंदाज़ा लगे कि हमें किस दिशा में अपना तैयारी है वो अभी बाकी बचे दिनों में करनी चाहिए, क्या स्टेप्स उठाने चाहिए। उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाई है। उम्मीद करता हूँ इससे आपको लाभ होगा। इस प्रेजेंटेशन में जो इसका नाम है 4 लीवर्स, हमने 4 लीवर्स पे डिस्कस करेंगे। 4 लीवर वो कौन से होंगे, मैनेजमेंट टूल्स कौन से होंगे, अगर उसको आप फॉलो किया जाए तो टायर 2 में कहीं ना कहीं आपको फायदा हो सकता है। जहाँ कॉम्पिटिशन एक एक नंबर का हो और अगर कोई 2 या 4 नंबर किसी स्ट्रेटजी से आपके बढ़ जाते हैं तो मुझे लगता है काफ़ी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हो सकता है उसमें। आमतौर पे जो बच्चे चैलेंज महसूस कर रहे हैं टायर 2 में, जिनके सामने चैलेंज है, वो कई मुद्दों पे है। जैसे कई लोगों की ये शिकायत है, कई लोगों के सामने चैलेंज है कि उनके पास सुफिशियंट टाइम नहीं है। कुछ एप्लीकेंट, कुछ कैंडिडेट बैंक पीओ लगे हुए हैं और आज के टाइम में जैसा कि आप जानते हैं बैंक में जबरदस्त काम होगा। जो जिस ढंग से वो देश की सेवा कर रहे हैं वो सराहनीय है, लेकिन अगर पर्सनल फ्रंट पे देखा जाए तो जो आखिरी के दिन अगर छुट्टी नहीं मिलती आखिरी के दिनों में, तो जो लोग एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे थे उनके लिए काफ़ी बड़ा झटका हो सकता है। क्योंकि आखिरी के 15 या 20 दिन या ज़्यादातर 10 दिन वो एक मोमेंटम बनाने के लिए, एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें अगर जिनको छुट्टी मिल सकती है, जो जॉब कर रहे हैं वो ज़रूर छुट्टी लें। और मेरा ये मानना है कि उनके पास शांत स्वभाव से और सुफिशेंट टाइम होगा तो एग्ज़ाम में बेटर रिजल्ट दे सकते हैं। और जो दूसरा चैलेंज एक सामने कई स्टूडेंट्स के हैं वो है कि उनका टायर 1 का जो स्कोर है वो इतना ज़्यादा नहीं है। उनको लगता है ये कि जिससे कि वो टायर 2 को एक आसान होगा उनके लिए। आसान तो किसी के लिए भी नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है कि भले ही स्कोर कितना ही कम क्यों ना हो टायर 1 में, लेकिन आपकी प्रिपरेशन टायर 2 की बहुत अच्छी है और टायर 3 में फिर आप अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं तो कहीं ना कहीं टायर 1 की जो कमियां थी उसको ढका जा सकता है। टायर 2 हाई कट ऑफ एक्सपेक्टेड, कईयों के दिमाग में टायर 1 की जो कट ऑफ गई 137 या जो भी जितने भी कट ऑफ थी टायर 1 में वो काफी ज्यादा हाई है। इसको ध्यान में रखते हुए अगर टायर 2 में कितनी कट ऑफ होनी चाहिए, क्या उसकी स्ट्रेटजी हो, कितना स्कोर का टारगेट रखे और जो अभी स्कोर कर रहा है वो क्या सुफिशियंट होगा, तो हम एक अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे किस रेंज में उसकी परफॉर्मेंस है वो अपने दिमाग में रखे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये मानना है कि जब वो किताब में कोई टेस्ट देते हैं, कोई प्रैक्टिस बुक में देने की कोशिश करते हैं, पीडीएफ में देते हैं, तो वो बहुत अच्छा स्कोर कर देते हैं, उनको सब आता है। लेकिन वो जब ऑनलाइन टेस्ट पोर्टल पर टेस्ट देते हैं और जो घड़ी की टिक 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 चलती रहती है, टाइमर चलता रहता है, उसकी वजह से उनको काफी ज्यादा नर्वस होता है, वो अपने आप को मैनेज नहीं कर सकते। मेरा यह मानना है कि ये एग्जाम नॉलेज का एग्जाम नहीं होता, कंपटीशन का एग्जाम। जब आप फाइनल में पहुंचते हैं, जैसे कि एक क्रिकेट मैच होता है फाइनल मैच, वर्ल्ड कप का फाइनल, उसमें सिर्फ आपको क्रिकेट आनी चाहिए खेलनी, ये काफी नहीं होता। आपका ये माइंड गेम भी होता है, साइकोलॉजी, आप प्रेशर साइकोलॉजी के लिए प्रेशर को कितना हैंडल कर सकते हैं। और उस 2 घंटे में या 4 घंटे में जितना भी टाइम आप उस एग्जाम को कैसे मैनेज कर सकते हैं, टाइम को कैसे बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं, ये भी टेस्ट होता है। तो उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे इस मामले को निपटा सकते हैं। नॉट एनफ प्रिपरेशन, बहुत सारे लोगों का बोलना है मेरी शादी थी,
या घर में काम था, या किसी की डेथ हो गई, या किसी कारणों से उसको पता नहीं था कि उसका टायर वन क्लियर होगा या नहीं होगा, लेकिन अब टायर टू के लिए उसके पास इन्फॉर्मेशन या एन प्रिपरेशन का अभाव है, और इसमें उसको क्या करना चाहिए ये कईयों के दिमाग में चैलेंज होता है। व्हाट टू डू टू स्कोर हाई, बहुत सारे स्टूडेंट का दिमाग मानना है कि काफ़ी टाइम से वो 2 महीने से 3 महीने से या 1 महीने से लगे हुए हैं टायर टू की प्रिपरेशन में, लेकिन स्कोर में इतना इजाफा नहीं हो रहा जितना कि उनको करना चाहिए या जितने के लिए जॉब मिल सकती है। बहुत सारे लोग 2-3 साल से लगे हुए हैं, उनका चिंता में होना स्वाभाविक है, इम्प्रूवमेंट ज़्यादा नहीं हो रही। व्हाट टू डू ऑफ रॉन्ग आंसर्स, हम देखते हैं कि एसएससी टायर वन में भी काफ़ी आंसर गलत, टायर टू में भी गलत, कुछ लोगों को बोल रहे हैं अब जब गलत आंसर होगा हमारे सामने हम क्या करें, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। हाउ टू यूज नेक्स्ट फ्यू डेज, अगर हमें 10 दिन में 15 दिन में अगर अपने आप को ज़्यादा पैनापन लाना हो, अपनी सर्जरी में ज़्यादा एफिशिएंट काम करना हो तो क्या करना चाहिए, और लास्ट मिनट पे आखिरी के जो 24 घंटे होते हैं उसमें क्या हमारी अप्रोच हो, और अगर किसी का लास्ट चांस है तो वो इस एग्जाम को कैसे ले, या फिर उनके पास क्या ऑप्शन और हो सकते हैं, इन बातों के ऊपर हम लोग इस प्रेजेंटेशन में चर्चा करेंगे, जिसका कि मैंने नाम दिया है 4 लीवर्स। मतलब कि हम लोग उन 4 लीवर कौन से हैं जो कि एग्जाम में आपको बेटर बना सकते हैं। अगर हम ये देखें कि टायर टू, जहां तक एक बीच में क्वेश्चन आता है लोगों के दिमाग में आता है, स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि टायर टू की कट ऑफ वो कितनी जा सकती है, या टायर वन और टायर टू जो दोनों को मिलाकर, कहने का मतलब है कि वो कितनी जा सकती है। हम थोड़ा पीछे की देखते हैं, 2015 की एक प्रेजेंटेशन, 2 प्रेजेंटेशन बनाई हुई है मैंने, एनालिसिस बहुत डीप में एनालिसिस किया हुआ है, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हिंट मिल सकता है। और हिंट का अगर मैं मोटे तौर पे आपको व्यू पॉइंट बताऊं तो आपको जितना टायर वन और टायर टू में पिछले साल कट ऑफ थी उसका 50 to 60 मार्क्स मोर अगर आप स्कोर करते हैं, प्रोवाइडेड कि टायर टू का जो पेपर का लेवल है वो आम तौर पे वैसा हो जैसे कि पिछले सालों में आया हो, और अगर आसान है तो लगभग 70 to 80 मार्क्स आपके ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि 37 मार्क्स का डिफरेंस है वो कट ऑफ में हम देख सकते हैं कि टायर वन की कट ऑफ इस बार हाई गई है, और वो पिछले साल लगभग 100 के आसपास थी, इस बार 137 के आसपास है, 37 मार्क्स है। अगर मैं एक कैटेगरी को पकड़ूँ जनरल कैटेगरी, जिससे कि दूसरे कैटेगरी के बारे में लगभग उसी तरह का ट्रेंड बन रहा है, उसी तरह का ही ट्रेंड बन रहा है, तो 137 मार्क्स हैं वो ज़्यादा हैं। इसका मतलब 37 मार्क्स तो ये हुआ टायर वन की वजह से डिफरेंस, और क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी 5717 या 5700 के आसपास है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है कंपेरेटिवली, नंबर वन। नंबर टू कि जब लेवल ऑफ कंपटीशन बढ़ रहा है तो ऑल इंडिया लेवल पे अगर हम देखें तो पहले इतना ज़्यादा नहीं होता था, पिछले कई सालों से 2010 से हम लोग एसएससी सीजिल की तैयारी करवा रहे हैं, और पहले हम देख रहे हैं कि हर साल कॉम्पिटिशन है वो ज़्यादा बढ़ रहा है। इसके पीछे कई रीज़न है, एक रीज़न तो यह है कि बीटेक एमटेक है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लगभग आज के टाइम में तैयारी कर रहे हैं। दूसरा यह है कि पहले जब नॉर्थ इंडिया स्पेशली दिल्ली या इसके आसपास हरियाणा यूपी यहीं बिहार यहीं पे ज़्यादा तैयारी करते थे गवर्नमेंट जॉब की, स्पेशली एसएससी सीजीएल की, आज के टाइम में अगर हम देखें तो पैन इंडिया पे लोग, थ्रू आउट इंडिया है वो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। पहले लड़के ज़्यादा करते थे, आज के टाइम में लड़कियाँ भी काफ़ी ज़्यादा गति से वो काफ़ी अच्छे ढंग से तैयारी कर रही है सीरियस होकर। पहले बैंक पीओ वगैरह इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, या बोल सकते हैं इंजीनियर्स वगैरह ज़्यादा इसमें जाते ही नहीं थे गवर्नमेंट जॉब में, तो वो भी आज के टाइम में बैंक पीओ या बैंकिंग में लगने के बाद जो उनकी नेक्स्ट पड़ाव होता है, नेक्स्ट टारगेट होता है, वो एसएससी सीजीएल होता है, बैंक में जो जॉब लगते हैं आज के टाइम में। तो इन कई कारणों की वजह से मेरिट का ज़्यादा जाना स्वाभाविक है, और 37 अगर एक में एक एग्जाम में डिफरेंस है तो टोटल जो डिफरेंस होगा टायर टू का वो हम बोल सकते हैं कि कम से कम 50 और 60 तो होना ही है। और अगर पेपर
थोड़ा और ज्यादा आसान आएगा तो लगभग 70-80 जा सकता है। तो यहाँ पे अगर मोटे तौर पे देखें कि जॉब लगने के लिए लगभग ये इंटरव्यू पोस्ट जो जिसको पहले बोलते थे इंटरव्यू पोस्ट जब इंटरव्यू होता था, वरना आज के टाइम में आप बोल सकते हैं उसको हायर लेवल पोस्ट। हायर लेवल पोस्ट के लिए टायर वन और टायर टू को मिला दिया जाए तो ये मार्क्स चल रहे थे लगभग लगभग 498 से लेकर 500। अगर 500 मार्क्स उस टाइम में थे जिसमें ये नीचे का स्कोर है, नीचे का स्कोर मतलब कि जो लास्ट कट ऑफ गई है, अगर जिसको जॉब वो लास्ट बंदा जिसको इस जॉब ये जॉब मिली है ये उसकी बात हो रही है, तो यहाँ पे 500 से लेकर 510 के आसपास स्कोर है वो चल रहा था। अब 37 तो ये डिफरेंस और 5-10% कम वैकेंसी और ज़्यादा कॉम्पिटिशन का डिफरेंस, ऑब्वियसली 50 नंबर ये 50 से 60 नंबर का डिफरेंस अगर लें तो लगभग लगभग ये आप मान कर चलिए कि 550 से लेकर और 575 के आसपास स्कोर बीच में आपका रहेगा। थोड़ा सा आसान और होता है पेपर तो 580 के आसपास आएगा, 570 के आसपास। और ये किसकी बात चल रही है, ये टायर वन टायर टू टायर थ्री भी इसमें इन्वॉल्व होगा। क्यों? क्योंकि ये फाइनल स्कोर है। किस बात का फाइनल स्कोर है ये इस बात का फाइनल स्कोर है, इस बात का फाइनल स्कोर है पिछले पहले 100 मार्क्स है वो 100 मार्क्स वो इंटरव्यू के लिए होते थे, अब 100 मार्क्स टायर थ्री पेपर के होंगे। परसेंटेज का जहाँ तक सवाल है वो पहले 50 से लेकर 65 के बीच में इंटरव्यू पोस्ट इंटरव्यू में आमतौर पर बच्चों के मार्क्स आते थे और लगभग लगभग वही रेंज है रहने की संभावना अभी होगी। अभी ये हो सकता है कि 30 से लेकर 70 के हो, लेकिन जहाँ तक मेरिट का सवाल है तो उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कुछ बच्चे इसमें बाहर हो जाएंगे। तो अगर हमें निकाल दूं लगभग 60 के एवरेज इससे तो 500 मार्क्स है वो टायर टू तक आपके होने चाहिए, 500 मार्क्स टायर टू तक होने चाहिए। अगर मैं जो ये 60 नंबर है टायर थ्री की वजह से हो रहे थे उसको निकाल दूं तो अब जिस बच्चे ने मान लीजिए कि 150 मार्क्स किया है टायर वन में और उसको अगर ये जॉब लेनी है तो 500 मार्क्स टोटल चाहिए तो वह लगभग 350 मार्क्स उसके होने चाहिए। जिसने 370 किया है 170 स्कोर किया है टायर वन में तो उसके लगभग 320 के आसपास मार्क्स होते हैं तो उस रेंज में पहुंचेगा अगर वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है। दूसरी कैटेगरी का आप उसी हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं। आमतौर पर अगर फाइनल मेरिट देखते हैं तो ओबीसी और जनरल कैटेगरी पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता, लगभग लगभग अगर आप देखेंगे फर्क है तो 18 से लेकर 20 नंबर का फर्क मिलता है आपको मैक्सिमम, जहाँ तक 16-17 ही इसमें नंबर्स का डिफरेंस होगा टोटल। आप बोलेंगे टायर वन में तो डिफरेंस ज़्यादा होता है, लेकिन अब जब आप फाइनल मेरिट देखेंगे तो जनरल कैटेगरी और ओबीसी में जो डिफरेंस होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता। हालांकि जनरल या ओबीसी की तुलना में एससी कैटेगरी में डिफरेंस है वो ज़्यादा होता है उसमें अगर इसमें 15 से 16 नंबर का डिफरेंस आएगा तो वहाँ पर लगभग 40 नंबर के आसपास का डिफरेंस आने की संभावना होता है। सिग्निफिकेंटली आप बोल सकते हैं कि ज़्यादा है। तो वो लोग अपना जो मार्क्स है उसी हिसाब से अपना नीचे कर सकते हैं ओबीसी एससी, और जो लोग इसमें अनरिजर्व कैटेगरी बिलोंग करते हैं वो इस हिसाब से वो देख सकते हैं। तो जिन लोग टोटल 500 का स्कोर रखने के लिए उन्होंने अगर किसी ने 137 स्कोर किया है तो उसके लिए लगभग 350-60 के आसपास का स्कोर उसको करना पड़ेगा, मतलब काफ़ी टफ उसके लिए फाइट होगी। लेकिन वो कंपटीशन में ज़रूर है, उस टफ फाइट में कंपटीशन में ज़रूर है। याद रखिए कि बहुत सारे स्टूडेंट वो भी क्वालिफाई करते हैं जो मुश्किल से टायर वन में पास होते हैं, क्योंकि टायर वन में उनके जो तैयारी का लेवल है काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो अगर जो बच्चा इस कैटेगरी में बिलोंग करता है वो उनके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो हमेशा उसमें और ज़्यादा फोकस करें, कम उसको नीचे अपने आप को न आके दूसरे की तुलना में। क्योंकि कुछ बच्चों के ईमेल आए फ़ोन आए कि मेरे 180 आ रहे हैं 170 आ रहे हैं, मैं बोलता हूँ उनको रिलैक्स होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर हल्की सी मिस्टेक होती है तो 15-20 नीचे नंबर आता है तो आप 150 वाले के पास पहुंच गए, और 20 मार्क्स के आपने अगर झटका कहीं खा लिया है तो यह मुश्किल हो जाएगा उसको रिकवर करना। टायर टू 400 का होता है, कंट्रीब्यूशन ऑफ टायर टू है वो कहीं ज़्यादा होता है। और अगर ये क्वेश्चन पेपर ईजी आते हैं, हायर स्कोरिंग मैच होता है जिसकी संभावना ज़्यादा है, तो ऐसी सिचुएशन में हायर स्कोरिंग के लिए वहाँ पे लगभग ज़्यादा बच्चों में डिफरेंस नहीं मिलेगा, जो मेंटली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उस 2 घंटे में या 4 घंटे में
मेंटली स्ट्रॉन्ग होगा, डिसीजन मेकिंग फास्ट होगी जिसकी, वही बच्चा है ज्यादा स्कोर कर सकता है। वहां पे नॉलेज का रोल धीरे धीरे कम होता जाएगा अगर पेपर ज्यादा आसान आता है। तो ये मेरा नजरिया है टाइप टू के ऊपर कि कितना स्कोर आप कर सकते हैं और कितना डिफरेंस है। 37 का डिफरेंस अगर टायर वन में हुआ तो लगभग 60-50 के आसपास का डिफरेंस आपको मानना पड़ेगा पिछले साल की तुलना में कट ऑफ में, कॉम्पिटिशन को ज्यादा ध्यान में रखते हुए और जो एक जिस तरह से हालात बन रहे हैं उसके लिए। एक क्वेश्चन दिमाग में बच्चों के जरूर आ सकता है, मेरे दिमाग में भी होता है कि क्या वैकेंसी इस बार इतनी कम होने के बावजूद ही बढ़ने की संभावना है, क्योंकि आगे जीएसटी लागू होना है और जो डीमोनेटाइजेशन या अभी 500 और 1000 के नोट्स बंद हुए हैं और सरकार बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है ब्लैक मार्केटिंग या इस तरह की चीजों पे, काला धन पे, ब्लैक मनी पे, तो ऐसे हालात में जो ये एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर या हर तरह की जॉब बढ़ने की संभावना हो सकती है। हमेशा एसएससी ने पीछे जॉब बढ़ाई है और आखिरी बात तब पता चलती है जब टायर टू के आसपास हम होते, टायर थ्री के आसपास होते हैं तो कितनी वैकेंसी होगी। और वैसे सरकार का ये राइट है, वैकेंसी कभी भी बढ़ाई जा सकती है। तो अगर इस बार 1 फरवरी को रिजल्ट बजट आता है डिक्लेयर, उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि क्या जीएसटी 2017 में होगा, 2017 में होता है तो इस बात की संभावना काफ़ी ज़्यादा है कि वैकेंसी है वो 10,000 के आसपास जा सकती है। मुझे लगता है कि अगर 10,000 वैकेंसी जाती है तो काफ़ी ज़्यादा राहत दे सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को। अब चलते हैं अगली नाव पे, अगले पड़ाव पे हम देखते हैं टायर टू क्वालिफायर टू जॉब रेशियो। एक थोड़ा सा और हिट देना चाहता हूं मैं, जिससे कि आपका अलर्टनेस का लेवल आसपास के जो आपके स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके तुलना में थोड़ा सा फास्ट ज्यादा हो तो ज्यादा आपको फायदा हो सकता है। थोड़ा एनालिसिस देखिए कि जो बच्चे अप्लाई करते हैं एसएससी सीजिल में और जिनकी जॉब लगती है वो कहां कहां पे बीच में लीकेज हो जाती है, कहां कहां गड़बड़ हो रही है और आखिर तक कितने स्टूडेंट पहुंच पाते हैं। देखिए सक्सेस रेशियो ऑफ जॉब एप्लीकेंट दोज अप्लाई टू दोज क्वालिफाइड इन टायर टू इज 3.9। तो आप ये मानकर चलिए कि जिन लोगों ने टायर टू में क्वालिफाई किया है, टायर टू में क्वालिफाई किया है वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि जितने लोगों ने अप्लाई किया था, जितने लोगों ने 38 लाख के आसपास लोगों ने अप्लाई किया था उसमें से वो 4% में है। मतलब कि 100 लोग जो अप्लाई करने की सोचते हैं एसएससी सीजिल की और जरूर करते हैं उसमें से उनकी गिनती 100 में से 4 में है। अच्छा अचीवमेंट है, कोई बुरा नहीं है। अगर किसी दूसरे देश में अगर इतना बड़ा अचीवमेंट हो तो बहुत बड़ी उसको शाबाशी मिलनी चाहिए, लेकिन ये इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और इसी से अंदाजा लगा लिया कि 100 में 4 वाले को सिर्फ टायर टू में क्वालिफाई माना जा रहा है। जैसे कि आप जानते हैं लगभग 1.5 लाख लोगों ने क्वालिफाई किया 38 में, उसके आधार पर ये रेशियो सक्सेस रेशियो टायर टू क्वालिफायर एंड दोज हु विल गेट जॉब विल बी अराउंड 3.8%। ये आपके लिए लाइन है, इंपॉर्टेंट है लेकिन आपको चेतावनी दे रही है लाइन। क्या बोल रही है चेतावनी में कि जिन लोगों ने क्वालिफाई कर लिया है टायर टू में अब उनके बीच में कॉम्पिटिशन होगा और जिनको जॉब मिलेगी मतलब टायर थ्री के बाद जॉब मिलेगी उन लोगों की संख्या होगी 100 में से 3.82, मतलब लगभग 4 लोगों को नौकरी मिलेगी। मतलब कि अगर आपके रूम में एग्जाम हॉल में 50 बच्चे बैठे हैं, 50 कैंडिडेट बैठे हैं तो सिर्फ 2 लोगों को उनमें नौकरी मिलेगी। आप सोच सकते हैं कि टायर टू में भी अपने आप में बहुत बड़ा कंपटीशन होता है। टायर टू क्वालिफाई का मतलब ये नहीं होता कि उसको जॉब मिल जाएगी, टायर टू का मतलब ये होता है कि वो अब वो उस पड़ाव पे पहुंच चुका है जहां पे के लिए जहां पे उसको अब बहुत बड़ा संघर्ष करने के लिए एक एलिजिबिलिटी आ गई है। तो 100 में से 4 लोगों को 3.8 ये परसेंटेज होगा, तो आप अलर्ट रहिए और इसको कैजुअली इस एग्जाम को मत लीजिए, क्योंकि कॉम्पिटिशन का लेवल आप देख सकते हैं यहाँ पे भी बहुत ज़बरदस्त होगा। इट मीन्स दोज हु हैव क्वालिफाइड फॉर टायर टू आउट ऑफ 100 ओनली 3.8 विल गेट जॉब, रियली टफ टास्क, क्योंकि लगभग 5,700 के आसपास जॉब है, 5,000 ये इतनी इसका फिगर है 5,717। सक्सेस रेशियो ऑफ जॉब एप्लीकेंट टू दोज हु विल गेट जॉब इज लाइकली टू बी 1.015%। अगर एक ये रोचक आंकड़ा है आपके सामने, एक इंटरेस्टिंग डाटा है, और वो डाटा क्या बोल रहा है कि जब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और जो एसएससी सीजिल के जरिए जॉब लगना चाहते हैं तो जो बच्चे जो कैंडिडेट
अप्लाई करना चाहते हैं 2017-18 के लिए और अभी वो ग्रेजुएशन में है, वो थोड़ा ध्यान से सुने कि 10,000 में से 15 कैंडिडेट को जॉब मिलती है। ये रेशियो होता है जॉब के लिए कि जो लोग अप्लाई करते हैं 10,000 उसमें से 15 कैंडिडेट, आप कॉलेज में कितने स्टूडेंट होते हैं, 3,000-4,000 होते हैं, उस हिसाब से देखिए एक या दो बच्चों को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी SSC के थ्रू। तो बेरोजगारी का लेवल यहाँ पे देख सकते हैं, अपने लिए चुनौतियाँ देख सकते हैं और अपने लिए अपॉर्चुनिटी भी तलाश कर सकते हैं, ये लाइन बहुत कुछ बता रही है। अटेंडेंस रेशियो ऑफ दोज अपीयर्ड इन टायर वन एंड दोज अप्लाइड इज 39%। इट मीन्स आउट ऑफ 100 हु अप्लाइड फॉर CGL 2016 ओनली 39 कैंडिडेट गिव टायर वन एग्जाम। जो बच्चे अप्लाई करते हैं, जो कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, उसमें से सिर्फ 39 ऐसे लोग होते हैं जो कि टायर वन के एग्जाम में बैठ रहे हैं। 2016 का ये डाटा है, लगभग रेंज है और 2017 की भी आने वाली है। इससे ये भी बात निकलती है कि या तो लोगों को उम्मीद नहीं होती या गंभीरता नहीं होती। आप उसको पॉजिटिव नज़र में देखें तो आप ये बोल सकते हैं कि अगर 40-50 लाख अगर कैंडिडेट अप्लाई करते हैं तो जो सिंसियर कैटेगरी होती है वो 1.5-2 लाख मैक्सिमम होती है, बाकी लोग इतने ज़्यादा गंभीर नहीं होते। अब हम जिस वो प्रेजेंटेशन का टाइटल है और जिन पे हमें फोकस करना है कि अब हमारी परफॉर्मेंस टायर टू में कैसे बेटर हो सकती है एज एन इंडिविजुअल, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे दिमाग में जो चल रहा है वो मैं कैसे मैनेज करूं उन चीज़ों को, उसके ऊपर उसको मैंने चार भागों में बांटा, चार लीवर बनाए हैं। एक कि आप अपनी साइकोलॉजी को कैसे मैनेज करते हैं, मतलब कि आप मोटिवेशन, डीमोटिवेशन, गुस्सा, डर या आपका एरोगेंसी, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इन सारी चीज़ों का कितना ज़्यादा सिग्निफिकेंस होगा, हो सकता है इस एग्जाम में, और उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं हम उस पर डिस्कस करेंगे। नॉलेज मैनेजमेंट पे करेंगे, टाइम मैनेजमेंट करेंगे कि हम अगले 10 दिन में या 5 दिन में, हमारा 15 दिन में समय कैसे बिताना चाहिए जिससे कि बेटर रिजल्ट आ सकते हैं, और हमारे पास जो रिसोर्सेज है उनको कौन से रिसोर्सेज को ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, ये 4 लीवर है, इसके माध्यम से हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट वो कैसे करें, जो चैलेंज है, प्रॉब्लम है वो कौन कौन सी। अगर मैं इसको 3C और 3F के रूप में देखूं तो 3C कंसंट्रेशन, कॉन्फिडेंस और कंपाइल, तीन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है जो कैंडिडेट के सामने आती है। एक कि उनका ध्यान नहीं हो पा रहा है प्रॉपर, कभी 1,000 रुपए के नोट्स, 500 रुपए के नोट्स उनकी लाइन में लगना पड़ता है, कभी कोई और न्यूज आनी स्टार्ट हो जाती है, या जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बन नहीं पा रहा है जैसा कि एग्जाम के लिए एक होना चाहिए, या जो उनके पास इंफॉर्मेशन है, पूरी नॉलेज है, रिसोर्सेज हैं, वो कंपाइल करने में उनको हेजिटेशन हो रही है, उनको डर है कि कहीं ये सफिशियंट है या नहीं है। और इनके अलावा एक फियर है माइंड में, अगर मेरी जॉब नहीं लगी तो, या मेरा टायर टू में आगे टायर थ्री के लिए क्वालिफाई नहीं हुआ तो, या मेरा फ्यूचर क्या होगा अगर मैं इस बार क्वालिफाई नहीं करूं तो बहुत सारे जो दिमाग में चीज़ें चल रही है वो उसको तैयारी करने के बजाय उसको दूर ले जा रही है तैयारी से। आप बोल सकते हैं कि टेंशन मुक्त, ये टेंशन वाला माहौल है यहां पे, और एग्जाम अगर बेटर होगा तो ये जरूर जानते हैं सारे लोग कि इन सब से छुटकारा पाना पड़ेगा। देखिए जब आप फाइनल लड़ाई लड़ते हैं तो उसके लिए ये नहीं है कि आपको सिर्फ नॉलेज ही काफी होगा, टायर टू क्वालिफाई करने के लिए नॉलेज का रोल होगा वो 20% होगा। 20% का मतलब कि ये उम्मीद की जाती है कि जो रिक्वायर्ड नॉलेज होना चाहिए वो आप में है, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन तो सिर्फ 20% है। इसके अलावा जो बाकी चीजों का रोल होगा वो उस दिन एग्जाम में 2 घंटे में आपने उस टाइम को कैसे मैनेज किया, आपने फियर को मैनेज कैसे किया, अपनी कंसंट्रेशन 2 घंटे में कैसे रखी आपने, या आपने कोई मिस्टेक नहीं की, मतलब कि जो आमतौर पर गलतियां हो जाती है उसको कैसे आपने अवॉइड किया, आपने घबराने, आमतौर पर 5-10% बच्चे बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, उससे आपने कैसे छुटकारा पाया, या आप बोल सकते हैं कि ये एक लीडरशिप का टेस्ट भी है, ये ऑफिसर मेकिंग क्वालिटी का टेस्ट है। तो इसलिए जो बच्चे सिर्फ अपना दम भर रहे हैं कि उनको बहुत कुछ आता है,
तो ये कोई जरूरी नहीं है कि उनको उनमें ऑफिसर क्वालिटी है, लीडरशिप क्वालिटी है, क्योंकि लीडरशिप और ऑफिसर क्वालिटी वो 20% नॉलेज वो चाहिए, लेकिन वो काफी नहीं है। साइकोलॉजिकल रेमेडीज, अब इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, एक स्टूडेंट को क्या क्या करना चाहिए जिससे कि अगले कुछ दिनों में, 10 दिनों में, 12 दिनों में, जितने दिन बचे हुए हैं, उसमें साइकोलॉजिकली वो ज्यादा स्ट्रांग महसूस करे। आप बोल सकते हैं वो प्रेशर हैंडलिंग एबिलिटी ज्यादा डेवलप हो, स्ट्रेस कम हो जाए, प्रॉब्लम में नए उलझे, सॉल्यूशन की तरफ ज्यादा जाने की कोशिश करें, तो वो हम देखने की कोशिश करते हैं। जो क्या नहीं करना चाहिए उसको ये देख लेते हैं। एक तो उसको टीवी को इमीडिएटली उसको नो बोल देना चाहिए, अगले 10 दिन कोई टीवी के बारे में ज्यादा सोचे नहीं वो। ऐसा क्यों? जब भी आप टीवी देखोगे तो दो बंदे यहां पे बिठा लेते हैं, दो बंदे यहां पे बिठा लेते हैं, ये उसको गालियां दे रहा है, ये उसको गालियां दे रहा है। अल्टीमेटली क्या है कि इनसे कुछ नहीं हो सकता, ये आपका ध्यान अट्रैक्ट करते हैं। आमतौर पे क्या होता है, जब इस तरह की होटिंग हो डिबेट होती है तो आप अपना जो निष्ठा होता है वो एक तरफ बना लेते हैं, या तो आप काले धन के अगेंस्ट चले जाते हैं या काले धन के पक्ष में चले जाते हैं, नोट बंद होने चाहिए या अगेंस्ट होने चाहिए, और फिर आप अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, अपने विचार को जस्टिफाई करने के लिए वो चैनल ढूंढने की कोशिश करते हैं जो आपके विचारों को सपोर्ट करता हो। जब इस तरह के विचार दिमाग में आ जाते हैं तो आपकी तैयारी हमेशा गलत दिशा में जाएगी और ये चीजें बहुत ज्यादा डोमिनेट होगी, जो आमतौर पर मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स में महसूस करता हूं कि वो इसमें उलझ जाते हैं। तो जब आप डिबेट ही नहीं देखेंगे, क्योंकि जरूरत नहीं है इसकी, आपको अभी इसकी जरूरत नहीं है अगले 10 दिन में, 12 दिन में, तो इसलिए ये बंद बिल्कुल। नो फेसबुक और सोशल मीडिया, ये जो काला धन, ब्लैक धन, 100 रुपीज, 2000 रुपीज, ये उसने ऐसा कर दिया, यह वहां पे भी काफी है। और आमतौर पे क्या है कि इनसे अभी आपको दूर रहने की, अगर आप 10 दिन दूर रहेंगे तो आपको कोई फांसी नहीं देगा, लेकिन ये जरूर है कि ये चीजें आपको डिस्टर्ब कर सकती है, तो इसलिए आप दूर रहिए, आपका टाइम खराब करेंगे। नोट सो में ये बंद होने चाहिए अगले 10-15 दिन के लिए, या जब तक एग्जाम होता है, उसके बाद उनको सारा दिन बैठ कर देख लेना। नोट सो मेनी फ्रेंड्स और सजेशन, अगर आपने किसी से सजेशन मांगने स्टार्ट कर दिए तो बिना मांगे आपके पास इतने सजेशन आएंगे, जिसने कभी जिंदगी में SSC सीजिल का नाम नहीं सुना वो भी आपको सजेशन देने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे आसान होता है देना, सबसे मुश्किल सजेशन आपको ये कंज्यूम करना, कौन सा इंपॉर्टेंट हो सकता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरी ये राय है कि आप अपने पे भरोसा कीजिए, सेल्फ बिलीफ डेवलप कीजिए, ज्यादा लोगों की राय लेने की आवश्यकता न डेवलप करें, ये आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर सकते हैं, क्योंकि हर बंदा अपना अलग नजरिया रखता है, अपने अलग ढंग से सोचता है, तो ऐसे में वो वाकिफ रहे। नोट सो मेनी एडवाइस, एक और चीज मामला आ जाता है कि आप छोटी छोटी बातों के लिए घर के सदस्यों के साथ उलझ पड़ते हैं, दोस्तों के साथ या ऑफिस में, ये टाइम अगले 10-15 दिन में आपका बहुत ज्यादा क्रूशियल है, बहुत ज्यादा कीमती है। किसी के साथ लड़ाई न करें, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वाइफ हो, हस्बैंड हो, भाई हो, बहन हो, पेरेंट्स हो, अपना गुस्से को थोड़ा पीने की कोशिश कीजिए, आपको फायदा होगा, क्योंकि जब आपका दिमाग खराब होता है तो तैयारी ठीक नहीं हो पाती, आपका रिजल्ट ठीक नहीं आएगा। जब आपका दिमाग ठीक रहेगा तो आपका जो नॉलेज डोज है, जो मैंने बताया 20% रोल है, तो नॉलेज डोज का रोल तो तभी आएगा जब आपका कोई नॉलेज लेने के लिए दिमाग है वो रेसिपिएंट ठीक काम कर रहा होगा। तो अपने इस दिमाग को ठीक रखने के लिए, ठंडा रखने के लिए ये सारी चीजें को अवॉइड कीजिए, थोड़े स्लीप बन जाइए कुछ दिन के लिए, उसके बाद जिसका सिर फोड़ना है फोड़ दीजिए। डूज, क्या करना चाहिए, योगा, मेडिटेशन, कंसंट्रेशन थेरेपी, चाहे वो लाइट म्यूजिक हो सकता है, मॉर्निंग वॉक हो सकती है, जहां पे आपको ताजगी का एहसास हो, थकावट वाली चीजें नहीं, जहां पे ताजगी का एहसास हो, जहां पे कंसंट्रेशन जाए, जो माइंड, जो सेल्स होती है ब्रेन की, उसके प्रति आप जवाबदेह बनो, जो इंपल्सिस होते हैं और जो न्यूरोन्स होते हैं वो आपके अलर्ट हो इस दौरान। तो ये कुछ एक चीजें हो सकती है जो आपको इसमें कंसंट्रेशन में हेल्प करेगी या आपको थकान से दूर करेगी। ऑब्जर्व बिलीफ हैबिट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस विचार में आप, कि अगर आपको लगता है कि आप ऐसे बेटर तैयारी कर सकते हैं, आप उसी तरह से करने की कोशिश कीजिए।
बहुत ज्यादा चेंज मत कीजिए। जो एडवाइस किसी ने ऊपर दे भी दी आपको, तो आप दिमाग में मत बिठाइए, जो आपने सोच लिया अब उसको एग्जीक्यूट का टाइम है, ये बिलीफ रखने का टाइम है। और बिलीफ को उस नजर से भी मैं बता रहा हूं आपको, शांत रखने के लिए भी, अगर आपका धार्मिक है, मंदिर में जाना चाहते हैं, उससे लगता है आपको शांति मिलेगी, जाइए। अगर किसी को लगता है वो सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है और उसको लगता है उससे शांति मिलती है, पीजिए। आप हैबिट चेंज मत कीजिए, आप इतने जेंटलमैन मत बनिए सिर्फ अपने शरीर को नुकसान पहुंचाकर, नुकसान की बजाय मैं ये बोलूंगा कि वो ध्यान हटाकर आप इतना कोई चीज न मत कीजिए। अगर आप बहुत ज्यादा कॉफी पी रहे हैं तो आप पीजिए, बहुत ज्यादा चाय पी रहे हैं तो आप पीजिए, आपका बिलीफ है कि इससे मेरी फायदा होता है तो आप वही करिए, वही करिए। आप ज्यादा डॉक्टर मत बनिए इस दौरान, क्योंकि मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल बताता हूं बिलीफ का, तीन चार एग्जाम्पल आपके सामने बताता हूं अभी, जिसका रोल नॉलेज से ज्यादा कोई नहीं है। अगर मैं इसी बात का एग्जाम्पल लूं, ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप जो अभी अमेरिका में राष्ट्रपति बने हैं, पिछले जब उन्होंने कभी बोला था किसी सभा में कि मैं अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए कभी न कभी अप्लाई करूंगा, तो लोग उसका मजाक उड़ाया था। यहां तक कि आपने कई ये वीडियो भी देखा होगा अगर, तो वायरल भी हुआ था वो वीडियो कि उसके मजाक का। और वह कोई पॉलिटिशियन नहीं थे, इसका मतलब उनके पास कोई नॉलेज भी नहीं था पॉलिटिक्स से रिलेटेड, राजनीति से रिलेटेड कोई नॉलेज नहीं। उसके बावजूद सारा मीडिया उनके खिलाफ था, बहुत सारे लोग खिलाफ थे। अगर उनमें अपना बिलीफ नहीं होता कि मैं जीत सकता हूं, तो उनकी हार पहले हो जाती। लेकिन उन्होंने आखिरी दम तक लड़ाई लड़ी, और लगभग लगभग नेगेटिव इन्वायरमेंट होने के बावजूद उन्होंने जीत हासिल की। उनकी सबसे बड़ी दो चीजें, एक जीत हैबिट होती है, और वो अपने फील्ड में जरूर सक्सेस थे, जो बिजनेस का फील्ड था, रियल एस्टेट का फील्ड था, और दूसरा कि उनका बिलीफ ये था कि मैं एक ऐसी चीज कर रहा हूं जो कि मुझे सक्सेस देगी, अच्छी की बुरी की मैं ये उस पर नहीं जा रहा, उसके कंपेयर के ऊपर नहीं जा रहा कि कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन जो बिलीफ एक सक्सेस दिलाने के लिए इंपॉर्टेंट था। आप दोनों को कंपेयर कीजिए, हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप में, दोनों के बिलीफ में आपको जमीन आसमान का फर्क मिलेगा, और यही उसकी जीत का सबसे बड़ा कारण था। सबसे दूसरा एग्जांपल आपके सामने, आपके प्राइम मिनिस्टर, अगर आप अर्थशास्त्री हो, क्या कोई जरूरी है आप ऐसा डिसीजन ले सकते हो कि 1000 और 5000 के नोट इमीडिएटली बनेंगे? अगर नॉलेज से ही अगर कोई डिसीजन होते, सफलता मिलती, तो शायद बहुत सारे, डॉक्टर मनमोहन सिंह में बहुत रिस्पेक्ट है उनकी, वो भी डिसीजन ले सकते थे, या बाकी दूसरे लोग भी ले सकते थे, किसी इकोनॉमिस्ट को लिया जा सकता था। लेकिन उनका यह बिलीफ कि इससे देश को फायदा होगा, और दुनिया आज दुखी है, आज पूरा इंडिया हो सकता है दुख महसूस कर रहा हो लाइन में लगने के लिए, लेकिन दिल से यह हो सकता है, कईयों के मन में हो और है भी, कि इससे देश को फायदा होगा। लेकिन इसका फैसला बहुत सारे आलोचना भी करें, बहुत सारे लोग पक्ष में भी है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का बिलीफ, मैं यहां पे सिर्फ एक बंदे के बिलीफ पे ये बोल रहा हूं कि उनको यह लग रहा है कि इससे फायदा होगा और वो डिसीजन के साथ होंगे, तो मैं ये बोल रहा हूं कि एग्जीक्यूशन ऑफ डिसीजन, जिन बंदों में बिलीफ होता है वो अगर कोई गलत फैसला भी करते हैं तो राइट उनको साबित कर देते हैं, और जिनमें बिलीफ नहीं होगा, अपने डिसीजन पे इतबार नहीं होगा, वो लोग अच्छा डिसीजन भी गंदा साबित कर देंगे, घटिया साबित कर देंगे। तो आप जो फैसला ले रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, उसमें आप आगे बढ़िए, चाहे वो बाबा रामदेव हो। आप सोचिए कि आज के टाइम में 500 फॉर्च्यून कंपनी में उस कंपनी का नाम है जो दांतुन मंजन याज के लिए पहले कोई पूछता नहीं था। उनका यह बिलीफ कि हम लोग स्वदेशी की मदद से, आयुर्वेदिक की मदद से एक बहुत बड़ी क्रांति लाने वाले हैं, आज से 4-5 साल पहले इस बिलीफ, अगर ये बोलते कि हम दुनिया की टॉप 100 कंपनी में आएंगे, टॉप 500 कंपनी में, कोई यकीन नहीं करता, लेकिन उनका बिलीफ की वजह से उनको सफलता मिली है, बिजनेस और बहुत करते हैं।
नॉलेज और किसी में हो सकता है, लेकिन बिलीफ और हैबिट ये सफलता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने ये, और यही कारण मैं बोल रहा हूँ आपको कि जो आप बिलीव कर रहे हैं, जिस चीज़ में हैबिट कर रहे हैं, उसको इस अगले 10-15 दिन में बिल्कुल भी इधर से उधर मत कीजिए। ये आपकी सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है। थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। आप बोलेंगे कि ऐसा कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको बिलीफ के बारे में, यहाँ पे भी वही बात है कि आप अपने आप सोचिए कि जो मैं कर रहा हूँ वो मैं अपने परिवार के लिए, अपने लिए वो बेस्ट कर रहा हूँ, और जो मैं जिस ढंग से मैं तैयारी कर रहा हूँ वो मेरी तैयारी बेस्ट तरीका होगा। आप इस कंफ्यूजन में मत रहिए कि दूसरे आपसे बेटर तैयारी कर रहे हैं, ये कभी मत सोचिए। जब कोई फौजी घर से चलता है और वार करने के लिए चलता है, अगर उसके दिमाग में हल्का भी संशय आ जाए कि पता नहीं मेरी बंदूक, मेरी राइफल मुझसे चलेगी या नहीं चलेगी, आप यकीन मानिए कि हार वहीं पे स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर उसके दिमाग में यह होगा कि मैं वहां पे जाऊंगा और जीत कर आऊंगा, आप सोचिए कि 80% जीत वहीं पे हो जाती है उसकी। एटीट्यूड 80%, 20% बाकी चीजें वहां पे काम करती है। यू आर डूइंग करेक्ट थिंग्स अपने दिमाग में बिठाइए। 1% भी संशय लाने की कोशिश मत कीजिए कि आप अभी कोई गलत कर रहे हैं। अगर आपको यह राय लेनी थी तो आप जो अपनी स्ट्रेटजी से रिलेटेड कैसे तैयारी करनी चाहिए वो 2 महीने पहले लेनी चाहिए थी, लेकिन अब आप चेंज नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि अब टाइम एक एक्सपेरिमेंट का नहीं है, अपने आप को इसमें इंप्लीमेंटेशन का टाइम है। आखिरी मौके पे आप कैसे इसको बेटर कर सकते हैं। यू आर गोइंग टू बी सिलेक्ट। आप सोचिए अगले 60 साल की जिंदगी के बारे में कि वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनकर जो लोग काला धन इकट्ठा कर रहे हैं या और कोई काम कर रहे हैं उनसे आप कैसे निपटेंगे। ये दिमाग में विचार आते हैं, सफलता के विचार हैं ये, और विफलता के विचार होंगे पता नहीं मेरा होगा या नहीं होगा। 2 बातों में फर्क है। एक आपने आप दिमाग में बिठाया हुआ है कि अब मैं आने वाले टाइम में जब इंस्पेक्टर बनूंगा या इंस्पेक्टर हूं तो मैं क्या क्या स्टेप उठाने वाला हूं या मेरा रोल क्या होगा इस क्रांति में। दूसरा रोल आपका ये हो सकता है, आपकी सोच ऐसी होती है पता नहीं मेरा टेस्ट क्लियर क्वालिफाई होगा नहीं होगा, मेरा क्या होगा, तो एक्चुअल में आप वो विफलता की तरफ सोच रहे हैं। विफलता दिमाग में 1% भी नहीं आनी चाहिए। सिर्फ ड्रीम, गुड क्वालिटी लाइफ, 60 ईयर्स आपके सामने, पेरेंट के सपने अपने घर वालों के सपने, और उस सपने पे काम करना और आपको अपने ऊपर यकीन, तो आपकी सफलता कोई रोक नहीं सकता। यू नो एवरीथिंग एंड व्हाई यू हैव टू अप्लाई। आपके पास जितना नॉलेज है वो काफी है एग्जाम में, मुद्दा सिर्फ यह है कि आपको वो अप्लाई करना है। जो स्टूडेंट्स टायर 2 में आ चुके हैं वो इतने कमजोर नहीं है, उनमें डिफरेंस भी बहुत ज्यादा नहीं है नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर डिफरेंस है तो अब वो अप्लाई, एप्लीकेशन, एग्जीक्यूशन, और वो जो 2 घंटे में मेंटली आप कितना स्ट्रोंग होंगे वो उनके ऊपर डिपेंड होगा। तो आप मानकर चलिए कि आपसे कोई ज्यादा नहीं जानता और आपको सिर्फ अप्लाई करना है, आपकी सफलता सुनिश्चित है। यूज एनर्जी इनहेंसिंग ड्रिंक्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, चाहे चाय हो, कॉफी हो, बेवरेजेस हो, या जो आप हैबिचुअल है किसी चीज, जैसे आपने मैंने बोला बीड़ी सिगरेट, जो भी जिससे लगता है कि आपकी थकान दूर होगी, इस दौरान 10 दिन में आपको कभी भी थकान महसूस नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको 1 घंटे थकान महसूस होती है वो 3 या 4 घंटे आपका खराब करेगा, आपके अंदर नेगेटिव प्रवृत्ति लाएगा। अगर पॉजिटिव चीज आपके अंदर रहे अगले 10 दिन 12 दिन जब तक कि भी एग्जाम होगा आपका और आप कभी भी थकान महसूस नहीं करें इस दौरान, तो आप सफलता की तरफ ज्यादा जाएंगे, आप पॉजिटिव विचारधारा के साथ ज्यादा जाएंगे। थकान आपको नेगेटिव विचारधारा की तरफ ले जाती है, और थकान मिटाने के लिए आप वो खाने पीने में ध्यान दे सकते हैं, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट, गाजर, कैरेट या फल जूस, इस तरह की चीजें आपको ज्यादा हल्का खाना, बार बार खाना, इस तरह की हैबिट अगर आप रखें जो कि बहुत ज्यादा
बेसिक हैबिट से चेंज नहीं है, लेकिन ये एनर्जी प्रोवाइडिंग और फैटिक दूर करने के लिए हो सकती है। जब आप हमेशा एनर्जेटिक होंगे अगले 10 दिन में, तो आप नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी इसमें। दूसरा पॉइंट, हमने साइकोलॉजी के बारे में जाना कि आपकी अगले 10 दिन में किस तरह की विचारधारा हो और उसको विचारधारा कैसी बनाई जा सकती है। और उसमें यह भी हो सकता था कि आप 5-2-4 क्लिप आप यूट्यूब से डाउनलोड कर सकते हैं यूट्यूब से, और वो पॉजिटिव आपको मोटिवेशन वाली चीजें हो उसमें, और आप अगर कोई भी चीज देखना चाहें तो सिर्फ वही देखें। यकीन मानिए आपके जो टीवी के चैनल जो आजकल दिखा रहे हैं न्यूज और अखबार, इनको आप थोड़ा बंद कर दीजिए कुछ दिन। आपकी 2-4 मोटिवेशन क्लिप आपको हेल्प कर सकती है, अगर वो आप करना चाहें तो वो कर सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दूसरे लेवल पे चलते हैं, नॉलेज मैनेजमेंट। वट एवर मेटीरियल कंटेंट यू हैव यूज इट, कई बार दिमाग में होता है कि मेरे से कहीं वो बेटर तो नहीं पड़ रहा, जलन होती है, लेकिन आप 10 दिन जलन मत कीजिए और दिमाग में बिठाइए कि जो चीज मेरे पास है वो बेस्ट है, किसी के पास नहीं है। चाहे आपके पास जितनी भी चीज है वो काफी है एग्जाम में, एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, आप उसको यूज कीजिए। किसी के पास कोई बेटर किताब आपको लग रही है उससे वो क्वालिफाई हो जाएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ज्यादातर लोग लगभग लगभग सेम काइंड ऑफ मटेरियल वो यूज करते हैं, ज्यादा फर्क नहीं होता, 10-20% का फर्क होगा, लेकिन वो यूज कैसे करते हैं इस पे बहुत ज्यादा फर्क हो सकता है। तो इस गलत फहमी में किताबें इकट्ठे करने का ये दिन नहीं होगा 10 दिन, जो भी कंटेंट है उसी पे काम चलाने की कोशिश कीजिए, अननेसेसरी दिमाग में कंफ्यूजन मत डालिए। डू नॉट थिंक इट इज नॉट सफिशियंट, कभी दिमाग में गलती से भी मत सोचना कि जब आप लड़ाई करने जा रहे हैं पाकिस्तान बॉर्डर पे चले गए, दिमाग में बिठा लिया कि पता नहीं जो मेरे पास हथियार है वो काफी है या नहीं। अगर ऐसी वहां पे सोच हो गई, जैसे कि एग्जाम वैसा ही होता है, वार है एग्जाम भी, तो ये हथियार जो होंगे वो भी नहीं चलेंगे। ऐसा ही इसमें होगा, जो आपके पास कंटेंट होगा वो भी आप ढंग से उसको नहीं करेंगे। थिंक दीज आर द बेस्ट, दिस इज अ टाइम ऑफ एप्लीकेशन, कोई नई चीजें खरीदने का नहीं, हथियार खरीदने के लिए नहीं है, अब हथियार जो आपके पास है वो चलाने के लिए, एक्शन लेने के लिए। इफ यू हैव सम मेड नोट्स रिवाइज इट और रिवाइज एज मच एज यू कैन डू। मैंने स्टार्टिंग में जब 2-3 महीने जो भी शो टायर 2 प्रोग्राम स्टार्ट किया था, तो उसमें जो गाइडेंस प्रोग्राम थे उसमें मैंने बताया था कि आपको अपने नोट्स बनाने बहुत ज़्यादा जरूरी है, सिर्फ वो शॉर्टकट्स के नोट हों, कोई फॉर्मूला के नोट हो, या स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हो, या डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, कई चीज़ें मैंने बताई थी। उम्मीद करता हूँ आपने बनाई होगी, और बनाई है तो इसको बार बार रिवाइज करने का समय आ गया है। और किसी ने नहीं बनाई है तो 1% भी उसके दिमाग में नहीं आना चाहिए कि जिसने बनाई है वो मेरे से बेटर है। जो भी चीज अवेलेबल है आपको जिस ढंग में है वो आप रिवाइज कीजिए, रिवाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिवाइज से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। मेमोराइज ऑल वैरायटी क्वेश्चंस, जो चाहे वो शॉर्ट ट्रिक हो या कई बार मुश्किल क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट या फॉर्मूले याद करने होते हैं, डायरेक्ट उसका स्टेप्स याद करने होते हैं, रूल्स याद करने होते हैं, आप एक ऑफिसर क्वालिटी होती है मेमोराइज करना। जो लोग मेमोराइज नहीं कर सकते उसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं कि ये रट्टा है, मैं रट्टा नहीं लगा सकता, यकीन मानिए वो ऑफिसर बनने के लायक ही नहीं है। क्योंकि याद रखना एक बहुत बड़ी आपके दिमाग का टेस्ट होता है, और इसके ऊपर जितनी कोशिश हो सके याद रखिए। रिवीजन एंड ऑनलाइन टेस्ट पोर्टल, ये दो चीजें मेन होगी आपकी। बहुत सारे बच्चों ने हो सकता है किताबों से टेस्ट दिए हों, किसी ने PDF से टेस्ट दिए हों, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आपने वो दिए हैं तो आपने एक राइट डायरेक्शन तो नहीं की, लेकिन अब उस पर नहीं सोचा जा सकता। ऑनलाइन टेस्ट पोर्टल पे टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप कुश्ती लड़ने से लगे, घास के मैदान पे या मिट्टी में कुश्ती लड़ते हैं और वहां पे गद्दे पे कुश्ती होगी तो एक डिफरेंट टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ता है। सिमिलर स्टोरी यहां पे होगी कि ऑनलाइन टेस्ट पोर्टल का आप हैबिचुअल होना बहुत जरूरी है। इससे आपका फियर खत्म होगा, एग्जाम का जो एक फियर होता है वो बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है, इसलिए हर रोज आप इसका ऑनलाइन टेस्ट पोर्टल का इस्तेमाल कीजिए, ये बहुत जरूरी, आप इससे दूर नहीं भाग सकते।
डोंट ट्राई टू लर्न सो मेनी थिंग्स नाउ, जस्ट अप्लाई वट एवर यू हैव. अब एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, अब आपका अप्लाई का करने का टाइम आया है. अब परमुटेशन कॉम्बिनेशन ज्यादा नहीं करो और ये सोचिए कि जो आप कर रहे हैं वही बेस्ट है और उसी से रिजल्ट आएगा. तो हमने दूसरे हिस्से में लेवर में देखा कि नॉलेज को कैसे एक्सप्लोइट करना है और यही देखना कि नॉलेज में इतना फर्क नहीं, अप्लाई में फर्क होगा. और अप्लाई करने के लिए रिवीजन, मेमोराइज और टेस्ट पोर्टल और जो कंटेंट आपके पास है, ये चार पांच मैंने बात बताई है, उस पर आप ध्यान दीजिए. कॉन्फिडेंस आएगा आप में. टाइम मैनेजमेंट, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि कॉन्फिडेंस आएगा जब आपके पास सारी चीजें हो, आपको पता हो कि मैं अगर ये कर रहा हूं ठीक है, मेरी टाइम भी मेरा मैनेजमेंट ठीक है, कॉन्फिडेंस आएगा. कॉन्फिडेंस से ही अब जंग जीती जाएगी. अराउंड 10 days आर लेफ्ट और 10 days का मतलब हुआ कि लगभग अगर 12 घंटे अगर मैं देखूं हर रोज 10 into 12 hours तो 120 वर्किंग आवर्स से अभी लेफ्ट बचे हैं. वर्किंग आवर्स का मतलब कि आप जिसमें कि आप पढ़ाई कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं कम भी कर सकते हैं. और अगर आज के टाइम में हम जो जिस ढंग से देख रहे हैं कि बैंक पीओ लगे हुए हैं तो उनके लिए छुट्टी निकालना तो मेरे ख्याल से बहुत ही मुश्किल काम होगा. लेकिन बहुत सारे ऐसे जो आईटी की जॉब करते हैं और दूसरी जॉब करते हैं तो शायद टाइम निकाल लें. तो अमूमन आपके पास 120 है, कोशिश कीजिए कि जितना ज्यादा टाइम हो आप उसको निकालें. तो उसमें 20 से 30 टेस्ट दिए जा सकते हैं, मतलब कि 70 से 80 घंटा, क्योंकि 2 घंटे का टेस्ट होता है और 1-2 घंटा उसमें एनालिसिस में लग सकता है, आधा घंटा से लेकर 2 घंटे के बीच में, डिपेंड करता है कि किस तरह का पेपर होगा. आपके लगभग 70-80 hours इसमें जाएंगे. ये आप स्ट्रेटजी बनाते हैं तो मुझे लगता है आपके लिए ज्यादा बेटर हो सकता है. लेकिन जो भी अगर स्ट्रेटजी बनाइए आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए उस पर. लेकिन मैं जो रिकमेंड कर रहा हूं कि इस दौरान आप 70-80 hours आप इस पर ध्यान दे सकते हैं टेस्ट पे, 20 से 30 ऑनलाइन सेक्शनल टेस्ट पे. जैसे कि अगर पिनेकल की बात करूं, जो पिनेकल के स्टूडेंट है तो उनके पोर्टल में जिन्होंने टेस्ट सीरीज खरीदी हुई है या फिर जो भी शॉर्ट प्रोग्राम ज्वाइन किया हुआ है या फिर फुल प्रोग्राम ज्वाइन किया हुआ है या हार्ड ड्राइव कोई भी प्रोग्राम ज्वाइन किया हुआ है, आप देखिए अपने टेस्ट पोर्टल पे जो जैसे पैरा जंबल है, क्लोज टेस्ट है, कॉमन एरर है या इस तरह के एडवांस मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, उनके टेस्ट सेक्शनल टेस्ट भी हर चीज के हमने अपलोड कर रखे हैं. इसके अलावा जो फुल लेंथ टेस्ट है वो भी अपलोड है. आप इन टेस्ट को जितना दे सके, जितना आप ज्यादा से ज्यादा दे सकते हैं देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली ही आपको रिजल्ट देगा. आपका फियर खत्म होगा जितने ज्यादा टेस्ट देंगे. और पिनेकल इस बात की सुनिश्चित करता है कि आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दे पाओ, तो इसके लिए दुनिया भर के टेस्ट वहां पे हमने अपलोड किए हुए हैं. मैं उम्मीद करता हूं कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा न हो जिन्होंने पिनेकल ज्वाइन किया और पूरे टेस्ट न दिए, सारे टेस्ट जरूर दें. यह भी अपने आप में एक जॉब की तरफ ले जाएगा आपको. और मुझे लगता है जिसने पिनेकल का पूरा कंटेंट और सारे टेस्ट किए हैं, अगर वो फिर उसकी जॉब लगने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी. लेकिन अगर किसी ने 2 टेस्ट कर लिया और उसको लगा कि ये तो आसान सा पेपर था, वो गलत फहमी में जी रहा है. क्योंकि कुछ पेपर आसान होंगे तो कुछ पेपर मुश्किल होंगे, कुछ एवरेज होंगे, कोई बहुत मुश्किल भी हो सकते हैं. हर तरह का कॉम्बिनेशन आपको वहां पर मिलेगा. क्योंकि मैंने देखा 2-4 बच्चों का स्टेटमेंट कि पेपर आसान है, नंबर भी नहीं आ रहे, पेपर भी आसान है. पेपर एग्जाम में आएगा आसान और वहां पे भी आप ये बोलना पेपर आसान था, तो इसका मतलब जॉब नहीं करेंगे क्या? आसान पेपर टायर 1 का भी था, क्या हर बंदे का क्वालिफाई हुआ है टायर 1? और मुश्किल पेपर भी होता है, तो इसका मतलब जो मुश्किल पेपर है उसमें बच्चों का कई बार ये बोलना होता है कि मैं डिमोटिवेट हो गया. भाई मुश्किल या आसान वो एक पार्ट प्रक्रिया है किसी टेस्ट सीरीज की. लेकिन टायर 1 की अगर हम बहुत करंटली बात करें तो इसका मतलब आसान था, क्या पेपर सभी का क्वालिफाई हुआ? नहीं. जितनी वैकेंसी है उतना ही पेपर क्वालिफाई होंगे, स्टूडेंट क्वालिफाई होंगे. तो अगर कोई मुश्किल आता है तो भी आपको उसको उसी हिसाब से लेना है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी उतनी है, मेरिट कम चली जाएगी, अग्रसर तो ऊपर चली जाएगी. आप कम मेरिट ज्यादा मेरिट में कहां पर रुकते हो ये इंपॉर्टेंट है. आसान पेपर 190 लिया, हो सकता है वो भी कम हो,
और ज्यादा मुश्किल पेपर हो सकता है 120 भी वो आपका बहुत अच्छा स्कोर हो, तो ये देखना पड़ेगा। तो इसलिए इस गलत फहमी में नहीं रहे। कुछ स्टूडेंट 2-4% का एक दो बार ईमेल भी आया मुझे, मैंने लताड़ भी लगाई कि आप जिस दुनिया में जी रहे हैं वो बहुत छोटी है, वो एक मेंढक के समान है, वो पूरी दुनिया अभी आपके नॉलेज के अनुसार नहीं घूमेगी। बहुत सारी क्वालिटी चाहिए एक ऑफिसर बनने के लिए, और उसमें एक ऑफिसर में यह भी क्वालिटी होनी चाहिए कि डिफरेंट सिचुएशन के अनुसार कैसे बिहेव करता है वो, उसकी उसको आदत होनी चाहिए, वो समझे। तो 20 से 30 ये सेक्शनल टेस्ट से, इससे आपको बहुत ज्यादा थकावट नहीं होती, क्योंकि बड़ा टेस्ट देते हैं आप तो थकावट होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। इसमें कम आपको रेस्ट मिल जाता है, क्योंकि आपका कोई टेस्ट 20 मिनट का, 30 मिनट का या 50 मिनट का इस तरह से होगा, तो आपको इससे भी काफी फायदा होता है। तो ये भी आप इसका इस्तेमाल कीजिए। आप अपने टेस्ट पोर्टल को जरूर देखिए, वहां पे आपको मिलेंगे टेस्ट। 10 से 20 घंटे आप 10-20 आवर्स रिवीजन ऑफ नोट्स उसमें लगा सकते हैं। रिवीजन ऑफ नोट्स वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने रिवीजन पे मैं हमेशा बहुत ज्यादा ध्यान देता हूं, और ये उम्मीद करता हूं स्टूडेंट इस बात को जरूर समझे कि रिवीजन से आपकी मेमोरी शार्प होती है, आपकी जो डायरेक्ट हिट होती है वो बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन अगर आप वैसे करते हैं। तो आप कई लोगों के दिमाग में आएगा, कई स्टूडेंट दिमाग में, क्या हमें टेस्ट सीरीज को भी रिवाइज करने की कोशिश करनी चाहिए? कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी है, कीजिए। जितनी ज्यादा आप कोशिश करेंगे ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करने की, उतना ही आपको फायदा होगा। और यकीन मानिए 100 क्वेश्चन में से अगर आपने पिनेकल के कंटेंट यूज करे हैं तो 25-30 क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे और आपको उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। 100 क्वेश्चन आते हैं तो 20-30, और अगर 200 क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश के पेपर में तो ज्यादा आएंगे। जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं उनमें आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाना चाहिए। इसका मतलब आपने प्रिपरेशन किया, वरना आपने सिर्फ अपना आपने वहां पे अपना रवैया बताया है, तैयारी नहीं की ढंग से। अर्ली मॉर्निंग कैन बी फुल लेंथ टेस्ट। अगर आप सुबह ज्यादा फुल लेंथ करते हैं, शाम को आप थोड़ा छोटा टेस्ट कर लेते हैं जैसे मैंने ऊपर बताया, तो आपको ये मैनेज करने में ज्यादा आसानी होगी। क्योंकि यहाँ पे एक बात जरूर आई थी कि थकावट का नहीं हो इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, तो वहां पे तो वो खाने पीने की चीजें या फिर एक्टिविटी से रिलेटेड थी। यहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ टेस्ट सीरीज कैसे हो सकता है उसके ऊपर चल रही है। सुबह आप ये कर सकते हैं, उसके बाद आप ये कर सकते हैं, शाम रात को टाइम में आप नोट्स पढ़ सकते हैं, क्योंकि जब आप कोई चीज रिवाइज करते हैं तो नींद आने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। टेक लीव्स फ्रॉम द ऑफिस इफ पॉसिबल। टाइम मैनेजमेंट में ये बहुत बड़ा रोल होगा कि अगर आप छुट्टियां ले देते हैं और आपको मिल जाती है तो आपके लिए बहुत आसान रास्ता हो जाएगा, वरना मैनेज करना एक डिफिकल्ट टास्क होगी। और ये बड़ा एग्जाम है, कॉम्पिटिशन ज्यादा है, तो इसके लिए थोड़ा कोशिश कीजिए एक छुट्टी हो, आपको मिले तो फायदा हो, कम से कम 10 दिन की छुट्टी आप ले सकते हैं। यह था तीसरा लीवर जिस पर हमने देखा कि कितने घंटे किस चीज पे ध्यान दें और किस टाइम पे कौन सी चीज करें तो फायदा हो सकता है। फिर है रिसोर्सिस मैनेजमेंट। जैसे मैंने नॉलेज में भी बताया, यहां पे दोबारा रिसोर्सिस की बात आ रही है, क्योंकि रिसोर्सिस जो आपके पास हैं, ऑनलाइन टेस्ट नोट्स है, पीडीएफ है या बुक्स है, डिसाइड एंड कीप असाइड विच आर डन और नॉट यूजफुल नाउ। कई बार हमें यह लगता है कि हमारे पास बहुत सारे कंटेंट होते हैं और दिन में अगर 10 या 12 घंटे हम लोग कोई काम करते हैं पढ़ाई का, तो 8-7 घंटे हम लोग उनमें कभी उसको इधर कर दिया, किताब को कभी उधर कर दिया, पढ़ाई करने पे कम ध्यान और उनको नोट्स को इधर कर दिया उधर कर दिया, उसको उस किताब पे रख दिया, बेड पे रख दिया, टेबल पे रख दिया, फिर वहां से उठा लिया, चाय पे ली, चाय उस किताब पे गिर गई, मतलब इसमें होश पोश हो जाते हैं। जो चीज आपके काम की नहीं है या कम इंपॉर्टेंट है आप उसको बाहर कीजिए, दूर कीजिए, लॉक कर दीजिए उसको। अब आपके सामने सिर्फ 20-10% चीजें बचेंगी जो मतलब की है। इससे आपका रिसोर्सिस या आपका फोकस भी बनेगा और ध्यान आपका वहीं पे रहेगा। ज्यादा किताबें आसपास होने से आपके माहौल को बिगाड़ता है और आपको टेंशन क्रिएट करता है। जब किताबें आपने सारी नीचे डाल दी, बेड में छुपा दी, और सिर्फ कुछ एक नोट्स बचे हैं आपके पास, 100 पेज बचे हुए हैं, सोचिए कि 100 पेज पे आप बहुत जल्दी अटैक करोगे, आपको थकावट नहीं होगी और आप में एक मोटिवेशन आएगा अंदर से, आप ये मैं कर दूंगा। लेकिन बड़ी बड़ी किताबें आपने रख ली है जो आपके पढ़ी हुई है, कोई ज्यादा काम नहीं आने वाली है, तो आप कंफ्यूजन में रहेंगे, टेंशन उस किताबों की वजह से टेंशन ज्यादा हो जाएगी। तो कम से कम सामान रखिए अपने पास। वर्क ऑन लेसर एंड लेसर कंटेंट विच इज मैनेजेबल एंड कीप यू फोकस।
तो इसलिए वो नोट्स इंपॉर्टेंट आपके यहां पे हो सकते थे अगर आपने बनाए, तो नहीं बनाए तो उसको 1% भी नहीं सोचे कि उससे मुझे कोई फायदा हुआ। फूड्स, लेस फूड्स, मेरिट, आप कई बार क्या होता है कि आपने ज्यादा खाना खा लिया फिर नींद आने लगी, उठे एक घंटा पढ़ाई की फिर और फूल ज्यादा खाना खा लिया फिर सो गए। इस हैबिट को तैयार कीजिए। फूड एक रिसोर्सेज है, इस रिसोर्सेज को बेटर ढंग से मैनेज कीजिए। अगर आप थोड़ा थोड़ा फूड ज्यादा बार खाते आपको नींद नहीं आएगी, आपका काम भी चलेगा, थकावट नहीं होगी, और आपने अननेसेसरी जो एक अल्कोहल पैदा हो जाता है ज्यादा फूड खाने मेटाबॉलिज्म की वजह से शरीर में शुगर उसमें, तो वो आपको नहीं होगा। ऑब्वियसली अगर आप बीच में ग्रीन टी या फिर बिवरेजेस इसका इस्तेमाल करते हैं, सैलेड का इस्तेमाल करते हैं, दूध का इस्तेमाल करते हैं और हैवी फूड नहीं खाते हैं, डू नॉट कंज्यूम यू विच मेक यू स्लीपी, इस दौरान 10 दिन 12 दिन आप इसका ध्यान रख सकते हैं। टाइम भी, ये मैंने फूड के बारे में बताया कि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, टाइम इंपॉर्टेंट रिसोर्स होगा जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि टाइम आप कैसे मैनेज करें, फूड आप कैसे किस तरह रखें, कंटेंट जो मैं इस पर बहुत ज़्यादा आपको सलाह भी दे रहा हूँ और आपको अलर्ट कर रहा हूँ कि अननेसेसरी आलतू फालतू की चीज़ें रखिए वरना आप टाइम खराब कर लेंगे उनमें अपना। तो ये चार लेवर थे जिनके ऊपर काम करेंगे आप, मुझे लगता है कि आप अपने परफॉर्मेंस को राइट ढंग में ले जाएंगे और आपके दिमाग में जो चैलेंज बना होगा कि मैं क्या करूं, वो आपके सामने एक दिशा प्रोवाइड करेगा ये चार लीवर। कम से कम ये पता चलेगा आपको कि क्या आखिरी में किस बातों पे आप ध्यान दे सकते हैं, और जितना कोशिश की आपने ध्यान दिया तो आपको फायदा होगा। अब करते हैं कि आखिरी 24 घंटे में क्या होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि आखिरी 24 घंटे में आपको बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, कंप्लीट रेस्ट, अपने दिमाग को पूर्ण विराम दीजिए, सोइए आराम से, और एग्जाम से 4-5 घंटे पहले ही आपकी खुलनी चाहिए नींद। डोंट स्टडी, कोई रेस्ट लीजिए, टेस्ट नहीं कीजिए, रेस्ट लीजिए। स्लीप वेल, कीप रेडी ऑल योर एसेंशियल्स, मींस आप 24 घंटे पहले आपको एडमिट कार्ड, रोल नंबर, आईडी कार्ड या जो भी पहचान पत्र आपको ले जाने हैं वहाँ पे सेंटर पे, वो आप एक जगह जरूर रखिए और उसमें भूलने की गलती ना करें। जैसे कि स्पेक्स, चश्मा लगाते हैं लोग जो स्टूडेंट्स, वो अपना स्पेक्स को ध्यान में रखें। पेन रखें जरूर, पेन की आपको आवश्यकता पड़ेगी भले ही ऑनलाइन टेस्ट क्यों ना हो, इस तरह की चीज़ें आपके सामने होनी चाहिए। रीच द टेस्ट स्टेशन, और अगर आपको वो पेन वहाँ दे रहे जैसे कि आमतौर पर दिया जाता है आजकल एक सेंटर पर, तो वो आप देख लीजिए जो जो भी डायरेक्शन आएगी, लेकिन आमतौर पर पेन वहीं पर मिल जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है। रीच द टेस्ट स्टेशन 1 डे कर लिया, लेकिन पेन हमेशा घर से ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ले जाइए 2 पेन कम से कम। रीच द टेस्ट स्टेशन 1 डे कर लिया, बहुत सारे साल तैयारी करते हैं, पता चला सेंटर पर टाइम पर नहीं पहुँच पाते, ऐसे लोगों की संख्या भी काफ़ी होती है। या पहले होता था जब ओमआर सीट भरनी थी, बहुत अच्छा एग्जाम किया, 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो गोले भरने होते थे वो एक लाइन से स्टार्ट करते थे, सारा गलत भर देते थे, या एग्जाम पूरा कर दिया गोले भरने, वो आखिर में सोचा भर देंगे, बहुत टाइम पड़ा हुआ है, लेकिन तब तक टाइम हो चुका था। तो जो ध्यान देना चाहिए, एक कि आप पहले पहुँचिए वहाँ पर, अपनी सारी स्ट्रेटजी को फिक्स माइंड में कीजिए क्योंकि आप थके हुए नहीं है अब, और लाइट और एनर्जी फूड लीजिए, अननेसेसरी बहुत ज़्यादा हैवी फूड करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल एग्जाम से पहले लाइट फूड करने की जरूरत है, और चाय वगैरह कॉफी पीकर जिससे माइंड अलर्ट रहे और एग्जाम में बैठिए। रीच 2 आवर्स इन एडवांस एट सेंटर बिफोर एग्जाम, ये स्टेशन की बात थी, ये सेंटर की बात है। स्टेशन का मतलब कि अगर कोई फॉर एग्जाम्पल किसी गाँव से है, 100 किलोमीटर दूर सेंटर है उसका स्टेशन है, या 200 किलोमीटर दूर उसका स्टेशन है, तो वहाँ पर पहले एक दिन पहुँचे और उसके बाद सेंटर पर पहुंचे तो वो कम से कम 2 घंटे पहले पहुंच जाए, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी चेकिंग वगैरह पैकिंग भी होती है, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और जब आप एग्जाम दें उस टाइम में आप बिल्कुल शांत रहने चाहिए, लड़ाई झगड़ा वहां पर ना करें। फिर है, अब आ जाता है कि 24 घंटे भी बिता दिए हमने, 10 दिन भी लगा दिए, अब एग्जाम में एक्स्ट्रा आपका एग्जाम स्टार्ट हो चुका है, अब आप कंप्यूटर पर बैठे हैं, अब आप स्क्रीन पर बैठे हैं, क्वेश्चन आपके सामने आने स्टार्ट हो गए हैं। Attempt all question in one round, in first round, which you can solve without much difficulty. अब क्वेश्चन ही आता है कि देखो एक बार आपने किया क्या दूसरी बार भी आपके पास टाइम होगा,
आमतौर पे मेरा ये मानना है कि आप पहले राउंड में सारे वो क्वेश्चन करें जो जो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। मान लो 100 में से आपके 60 ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपने कर दिए, 60 क्वेश्चन आपको ऐसा लगा कर दिए। अगले राउंड में देखिए कि 20 क्वेश्चन और कर दिए, ठीक है। हालांकि आपका अपना स्ट्रेटजी हो सकती है, वहां पर आप स्ट्रेटजी मत चेंज कीजिए, जो आपने टेस्ट पोर्टल में आप जो कर रहे हैं वही आप वहां पर अप्लाई कीजिए। बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कीजिए अभी, क्योंकि अब एक्सपेरिमेंट डेंजरस होगा। जो आपकी स्ट्रेटजी थी अब वही बेस्ट होगी, आपकी स्ट्रेटजी एक बार में ही सारा पेपर करना क्यों ना हो, कोई गलत नहीं है, अप्लाई का क्वेश्चन है यहां पे, बिलीव का क्वेश्चन है। लेकिन मेरी यह राय है कि पहले आप सबसे आसान हो। मेरा यह मानना है कि कोई भी क्वेश्चन वो ना छूटे जो आपको आता हो और आप बाद में पता चला यार ये इतना आसान क्वेश्चन और ये भी नहीं कर पाया मैं, और आपने मुश्किल क्वेश्चन पर टाइम खराब कर दिया, ये बात नहीं आनी चाहिए। सारे क्वेश्चन जो आपको आते हैं वो जरूर होने चाहिए, और जिसमें टाइम लग रहा है वो थोड़ा बाद में कर दें। थर्ड राउंड इफ टाइम लेफ्ट मे बी फ्यू क्वेश्चन यू कैन सोल्व, तो आप 2-3 राउंड का इस्तेमाल कर सकते हैं और करना चाहिए। टेक रिस्क एंड मेक इंटेलिजेंट डिसीजन टू सिलेक्ट ऑप्शन। अब क्वेश्चन आता है क्या तुक्के लगाएं या न लगाएं। मेरा यह मानना है कि जब मैच हाई स्कोरिंग हो तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, और सारे के सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें तो ज्यादा फायदा हो सकता है। क्योंकि जब स्कोर ज्यादा जाता है तो आपका अगर रिस्क नहीं ले रहे हैं तो आपकी संभावना वैसे ही कम हो जाती है। तो ये ध्यान रखें इसमें कि अगर आपको जो क्वेश्चन 60% से संभावना ज्यादा लगे ये ऑप्शन ठीक है तो आप उसको लगा दें निशान, फायदा होगा आपको, गारंटीड फायदा होगा, पूरे यकीन के साथ बोल सकता हूं मैं। क्योंकि 4 क्वेश्चन गलत होते हैं ठीक होते हैं, 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपका 1 ठीक के बराबर होता है, और इतनी आपकी एफिकेसी जरूर निकल जाएगी, जरूर निकल जाएगी, ये आपको मैं पूरे विश्वास के साथ बोल सकता हूं, तो आप ये कीजिए। हालांकि अगर आपने कोई और स्ट्रेटजी बनाई है जिसमें कि आपको यह लगता है कि मैं वही करूंगा जो मुझे आता है, तो आप वो भी कीजिए, क्योंकि बिलीफ है वो सबसे बड़ी चीज होगी इसमें। लेकिन रिस्क लेना भी आपको एक ऑफिसर क्वालिटी, लीडर क्वालिटी, और मैंने बोला लीडर और ऑफिसर ज्यादा चाहिए, नॉलेज एक 20% रोल अदा करेगा, तो वो डिसीजन मेकिंग यहां पे अब आपकी लीडरशिप में आ रही है। किसी पे टिक न करना भी एक डिसीजन है, किसी पे टिक करना भी एक डिसीजन है। इफ यू थिंक एनी क्वेश्चन रॉन्ग अटेम्प्ट इट इज एज योर क्लोजेस्ट पॉसिबल आंसर। एक क्वेश्चन ये आता है कि बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे कि इंग्लिश में 8 या 10 क्वेश्चन ऐसे आएंगे आपके सामने वहां पे रियल एग्जाम में कि जो कि आपको बिल्कुल लग रहा है गलत है, तो उसमें आप क्या एक्शन लें, या आपको लग रहा है कि इसमें 2 ऑप्शन है तो क्या ऑप्शन लें, क्या आपकी स्ट्रेटजी हो सकती है। मेरा यह मानना है कि आपको सारे क्वेश्चन करने चाहिए, और अगर आपने गलत क्वेश्चन में जो क्लोजेस्ट ऑप्शन लगे वो आप कर दें, क्योंकि SSC गलत अगर आपके हैं, गलत वहां पर उससे सेट हो गए हैं, तो उसके मार्क्स हमेशा देता है। कोई कितना ही सावधानी क्यों न बरत ले, 100% फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन पेपर सेट करना इतना आसान नहीं होता, एरर होंगे, और क्वेश्चन पेपर में एरर होना एक नॉर्मल बात होती है, कोई अप्रत्याशित चीज नहीं होती। तो इसलिए यहां पे जब 200 क्वेश्चन होंगे तो 5-7 में आपको उम्मीद होगी कि ये गलत हो सकते हैं, आप अटेम्प्ट कीजिए जो आपको लगे ये बेस्ट हो सकता है या क्लोजेस्ट हो सकता है, या 2 ऑप्शन है तो उसमें 1 पर मार्क कीजिए, इससे आपकी और रिस्क की संभावना खत्म हो जाएगी। अगर SSC ने उसको वो नहीं मानने की कोशिश की तो कम से कम अगर आपका ठीक लगा तो वो नंबर काउंट हो जाएंगे। लेकिन आम तौर पर ऐसा आज तक हुआ नहीं है कि SSC उसको गलत को न माने, तो आमतौर पर नंबर दे दिए जाते हैं। लेकिन फिर भी आप सावधानी रखें कि अटेम्प्ट करें, ये मत सोचें कि गलत है इसका करने का कोई फायदा नहीं है, ऐसी धारणा न डेवलप करें। या हो सकता है आपको उस टाइम में समझ में ना आया हो वो ठीक था, लेकिन आप कीजिए उसको। नेवर डू रियल एग्जाम एनी R&D, डोंट चेंज मच योर स्टाइल। जैसे मैंने आपको बताया कि अब किसी के बहकाव में आने की जरूरत नहीं है, या अननेसेसरी या बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। जो आपने एक स्ट्रेटजी बना रखी थी माइंड में टेस्ट पोर्टल पे कि मैं पहले 1 राउंड में करूंगा, 2 में करूंगा, 3 में करूंगा, छोड़ूंगा या जो भी है, या कौन से पहले क्वेश्चन करूंगा नहीं करूंगा, वो आप बिलीफ रखिए उसके ऊपर, और रियल एग्जाम में बहुत ज्यादा R&D करके कंफ्यूज मत होइए। यहां पे आपको कंफ्यूजन में डाल सकती है और प्रेशर में ला सकती है अगर चेंज हो अपने ज्यादा करने की कोशिश कीजिए। तो बी रियलिस्टिक एंड बी रियल, अननेसेसरी अपने आप को यंग चैंपियन साबित करने की कोशिश न कीजिए। यह था कि आखिरी में कैसे अटेम्प्ट करें,
पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें और आखिरी 24 घंटे कैसे बताएं। हमने इस दौरान अभी इस प्रेजेंटेशन में कि जो कैसे डिफरेंट लीवर्स हैं, चाहे वो साइकोलॉजी हो, साइकोलॉजिकल लोअर हो, चाहे वो आपके पास स्टडी मटेरियल से रिलेटेड हो, चाहे वो टेस्टिंग से रिलेटेड हो, नॉलेज से रिलेटेड हो, ये इनको कैसे मैनेज करना है और अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर, और 24 घंटे भी पहले आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो उसके बारे में हमने जानकारी दी। उम्मीद करता हूं कि ये जो आपको जानकारी दी, शेयर की मैंने अपनी तरफ से एक्सपीरियंस के आधार पर, कई सालों के एक्सपीरियंस के आधार पर और काफी सक्सेसफुल स्टूडेंट के बेस के आधार पे, वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी, ये मेरा मानना है। अब हमारी मुलाकात टायर 3 में होगी, जो कि हम लोग लॉन्च कर रहे हैं जो बशोर टायर 3 प्रोग्राम 3 दिसंबर। इस दौरान अगले 10-12 दिन में जितने भी हम लोग वीडियो बनाएंगे, आपके पास वीडियो लिंक कार्ड आता रहेगा जो स्टूडेंट जिन्होंने पिनेकल को ज्वाइन किया हुआ है। टेस्ट पोर्टल पे अगर कोई टेस्ट अपलोड नहीं हुए कुछ, वो इमीडिएटली बहुत जल्दी होने वाले हैं। जिसने टेस्ट नहीं किए हैं वो जितने ज्यादा हो सके टेस्ट करने की कोशिश करें। उम्मीद करता हूं कि SSC CGL 2016 आपके लिए निर्णायक हो, उसमें जॉब मिले, भविष्य संवरे, परिवार को और अपने मित्रों को, अपने आप को खुशहाली मिले, ये मेरी शुभकामना और बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।